Hablando from Morena, my college is in Sika College North. There I complete BSc Computer Science in and my institute is Seva Concept Sorum. There I complete a Java and corporate Java also. Completed or it's running? It's running. Okay. What is final keyword in Java? Final keyword. Yes. You heard about it? Yes, sir. Final keyword basically used for final class में Yes. predefined functions predefined होता है predefined class वगैरह के लिए final class होता है. व्हाट हैपेंड व्हेन वी यूज फाइनल कीवर्ड? क्या होता है यदि अपन फाइनल कीवर्ड किसी क्लास के सामने लगाते हैं? क्लास में जो फाइनल क्लास फाइनल क्लास में कंप्लीटली इफ यू आर क्रिएटिंग द फाइनल क्लास देन क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड. इफ यू आर क्रिएटिंग द फाइनल मेथड देन मेथड कैन नॉट बी ओवर राइट. इफ यू आर क्रिएटिंग फाइनल वेरिएबल देन वेरिएबल कैन नॉट बी ओवर राइट द वैल्यू मीन्स इट विल बी कॉन्स्टेंट. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट इज द फाइनल. ओके. व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन जावा? abstract keyword basically used for abstract class and there are inheritance and everything मतलब instead of use other class sorry no हिंदी में भी बोल सकते हैं आप. नहीं कोई इशू नहीं. फंक्शंस थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? abstract class no अरे ओके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर? इन पब्लिक स्पेसिफाई बी एक्सेस डेटा या वेरिएबल बाय अदर क्लास यू एक्सटेंड और इफ वी क्रिएट वेरिएबल प्राइवेट देन वी क्रिएट टू स्ट्रिंग या मेथड टू यूज डेटा गेट सेटअप टू गेट डेटा. सिंपली यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन आंसर विल बी प्राइवेट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास बट पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द पैकेज एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक. दिस इज योर फर्स्ट डमी इंटरव्यू दैट्स वाई आई एम ऑल्सो आंसरिंग यू. ओके. एंड यू शुड इम्प्रूव दिस फॉर सेकेंड इंटरव्यूज. यू शुड इम्प्लीमेंट दिज ऑल थिंग. आई न्यू दैट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स नो द आंसर बट वैन दे कम हीयर फॉर इंटरव्यूज देन दे फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स. ओके. तो दिस इज द मेजर इश्यूज ड्यूरिंग द इंटरव्यूज फॉर 90% पीपल नॉट यू फॉर 90% स्टूडेंट्स. दैट्स वाई आई एम कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ सेशंस. ओके. टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स टू इंटरव्यू. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क द क्वेश्चन. This question is not I am asking to give your answers. This question I am asking to improve your confidence skills. Okay. How many type of inheritance possible in Java? Type of inheritance. Type of inheritance. कितने type के inheritance होते हैं Java में? सिंगल इनहेरिटेंस होता है. अब याद आया कुछ? मल्टीपल होता है जावा में? मल्टीपल क्लास लेवल पे होता है जावा में? नहीं होता है. मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के थ्रू होता है. तो सिंगल होता है क्लास के थ्रू और हायरार्किकल होता है. हायरार्किकल और मल्टी लेवल. और यदि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस करेंगे तो आपको उसके लिए इंटरफेस में जाना पड़ेगा. किस में जाना पड़ेगा? इंटरफेस. इंटरफेस इज यूज टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस. दैट इज द डिफरेंस. ओके. व्हाट इज थ्रो कीवर्ड इन जावा? थ्रो थ्रो सुपर क्लास ऑफ एक्सेप्शंस. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट थ्रोएबल. आई एम आस्किंग अबाउट थ्रो कीवर्ड. व्हाट इज थ्रो कीवर्ड इन जावा? थ्रो
throw keyword keyword this will handle the checked exceptions. I am not asking about throws keyword. I am asking about unchecked throw keyword. Exceptions. Yeah, public appearances. You say, what is the throw keyword? Throw keyword, sir. Yes. Throw keyword is a... You say. Throw keyword is used to call, implicitly call the exception handling. Very good. Exception. Throw keyword is used to call exception. Implicit or user-defined exception. Suppose that you are creating user-defined exception. And you want to call this exception. You want to handle exception. You want to call exception by based on your logic. Suppose that if number will be entered negative and you want to throw the exception. At that case means custom exception. If you want to customize the exception or you want to call the exception manually, explicit, not implicit. If you want to call exception classes explicit, that is called throw keyword. Implicit exception will call implicit by default. Okay, for example, predefined exception, it will call automatically. But it is not exception, but also you want to call this exception. At that case, you will use throw keyword. Okay? So this is the differences. So you should improve. These are the very fundamental questions. You should improve this. Okay? Next round of interviews, you should prepare these all questions as well as all core Java interview questions. You go shivatutorials.com. Interview questions part and all interviews questions of Java I have listed there. Okay, and if you are not remembering the questions answer, then you will write these answers 10 times and you will practically think this, how it will process, what is the actual implementation, because if you are creating the program, then theoretical concept will be automatically cleared for you. Okay, then this type of tips you will follow, then your interview skills will be improved. That's it. Thanks for participation. Okay.